आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बुलाने पर आ गए। और आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ से आए हैं सफेद वस्त्रों में, क्या क्या आपको देने के लिए हम आए हैं। तो हम सभी लोग दूर दूर से आए हुए हैं, कोई दिल्ली से, कोई कन्नौज से भी आया है, कोई हरियाणा से भी आया है। आपके आपसे कुछ बातचीत करने के लिए, आपको कुछ परमात्मा का संदेश देने के लिए आए हुए हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आए हैं, जिसको प्रायः हम ओम शांति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्यों आए हैं, आप सोच रहे होंगे। हम यहाँ पर आपसे कुछ चर्चा करने के लिए आए हैं, परमात्मा की और स्वयं की चर्चा। क्यों आज ये क्यों जरूरी हमारे लिए है, क्योंकि आज हम सभी जानते हैं, आज मनुष्य आत्माएं कहीं ना कहीं हम सभी अपने जीवन में टेंशन में है, तनाव में है, परेशान है, कहीं ना कहीं अपने जीवन से खुश नहीं है। खुश रहना कैसे सीखें, प्यार से कैसे रहें, क्योंकि हम जीवन में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर से जो एक खुशी है, एक शांति है, वो खोती जा रही है। हम जीवन में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आपस में देखिए, आप आपस में भाई भाइयों में, घर घर में प्यार खत्म होता जा रहा है। घर में कलेश, लड़ाइयाँ आदि बढ़ती जा रही हैं। दुनिया में तो हो ही रहा है, बाकी सारे विश्व में भी हो रहा है। तो हम स्वयं को खुश कैसे रखें, स्वयं को शांत कैसे रखें, स्वयं को टेंशन चिंता तनाव में कैसे रखें। आज देखो, एक बच्चे को भी टेंशन होती है। बच्चों को किस चीज़ की टेंशन होती है, पढ़ाई की टेंशन होती है कि नहीं होती है टेंशन पढ़ाई की, कैसे कैसे याद करना है, होती है नहीं, हाथ उठाओ, किसे कैसे होती है, उठाओ हाथ, होती है टेंशन पढ़ाई की। देखो बच्चों को भी टेंशन है, बड़े तो छोड़ो, बड़ों को तो छोड़ दो, बच्चों को भी टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है, इतना कुछ याद करना पड़ता है, स्कूल में जा करके ये पढ़ना पड़ता है। तो देखो आज हर किसी को तनाव में है, हर कोई चिंता में है, भय में जी रहा है, डर में जी रहा है। किसी को मृत्यु का भय है, तो किसी को भविष्य का भय है कि भविष्य में मेरा क्या होगा। किसी को शादी की चिंता है, तो किसी को जॉब की चिंता है। हर किसी को कोई ना कोई चिंता लगी हुई है। तो चिंता से कैसे मुक्त हूं, सच्चे मन में शांति कैसे हो, हमारा जीवन खुशनुमा कैसे रहे, हम अपने जीवन को खुश कैसे रखें। हर कोई चाहता है खुश रहना, कौन कौन चाहता है, हाथ उठाए, खुश रहना उठाओ माता हो लोग, कौन कौन चाहता है खुश रहना। शर्माना नहीं है, हम आपसे बातें करने के लिए, हर कोई चाहता है हम अपने जीवन से खुश रहें। लेकिन कहीं ना कहीं हम परेशान हो जाते हैं, गुस्सा होने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, नफरत होने लगती है, हमको ईर्ष्या होने लगती है, होने लगती है कि नहीं। फिर हमारे अंदर से वो खुशी जो होती है वो चली जाती है। लेकिन परमपिता परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं, तो वो हमको खुश रहने की कला सिखाते हैं। क्योंकि हम जो कला भूल चुके हैं, खुश रहने की कला, अपने जीवन को शांत करने की कला, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं अपने जीवन से अशांत हैं। सच्ची शांति हम खो चुके हैं, सच्चे मन की शांति। आप लोग भी चाहते हो शांत रहें, चाहते हो शांति, शांति सबको पसंद है। तो परमात्मा हमको सच्ची शांति कैसे हमारे जीवन में हो वो सिखाते। आप कितने भाग्यशाली हैं कि हम इतने दूर दूर से, दिल्ली से, हरियाणा से आए हैं, आपके पास पहुंचे हैं, आपके छोटे से गाँव में पहुंचे हैं, जहाँ बहुत ही कम लोग पहुँचते होंगे, बहुत संस्था के कम लोग, हम आपके यहाँ पहुँचे भगवान भगवान का ये संदेश पहुँचाने के लिए, बहुत भाग्य आपका। तो आप सभी लोग अपने लिए एक बार ताली बजाएं कि आप सभी लोगों ने हमें सुना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि परमात्मा आपके घर तक पहुँचा अपना संदेश देने के लिए। क्योंकि अगर हमने परमात्मा को आज भी नहीं पहचाना, तो हम परमात्मा को उलाहना देंगे कि भगवान तुम धरती पर आए हुए थे, लेकिन हम पहचान नहीं पाए। तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए परमात्मा अपना संदेश देने के लिए आया हुआ इस धरती पर। हम चाहते हैं अपने जीवन से खुश रहें, अच्छे मन की शांति हमारे अंदर हो, तो परमात्मा हमको वो संदेश देने के लिए इस धरा पर आए हुए हैं। तो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आए हैं, जो आपको जीने की कला सिखाएंगे। क्योंकि हम स्कूलों में पढ़ने तो जाते हैं, पढ़ते हैं स्कूलों में, कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जीवन जीने की कला नहीं सीख पाते हैं।
हम मनुष्य आत्माएं जीवन में आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाप कर्म भी हम करते जा रहे हैं। इसलिए हम आज दुखी हैं, परेशान हैं, बीमारियां हैं, क्योंकि हमारे ऊपर पाप बहुत है। पाप भस्म कैसे हो, पाप नष्ट कैसे हो, क्योंकि हम मनुष्य आत्मा कहीं ना कहीं पांच विकारों के वश पाप करती है। गुस्सा में, अहंकार में, लालच में, मोह में करते हैं कि नहीं पाप? पाप होता है, कोई लालच में चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है कि नहीं? तो हमको कैसे कर्म करने, अच्छे कर्म करने कि बुरे कर्म करने, बताओ? अच्छे कर्म करने। अच्छे कर्म क्या होते हैं? जो गुस्से में नहीं किया जाए। गुस्सा करते हो? नहीं करते हो? बिल्कुल नहीं। अरे वाह, ये तो अच्छे बच्चे हैं, गुस्सा नहीं करते। देख लो, आप नहीं मना कर रहे हो, आपके घर वाले देख रहे हैं, गुस्सा किया, ध्यान रखना। तो गुस्सा देखिए, जब इंसान को जब गुस्सा आता है तो उसका मन भी खराब होता है और सामने वाले का मन भी खराब होता है। तो गुस्सा क्या हमारे लिए अच्छा चीज है क्या? हम सभी चाहते हैं गुस्से से हम मुक्त हों। हर कोई चाहता है कि नहीं? चाहता है कि नहीं गुस्से से हम मुक्त हों? गुस्सा कैसे छूटे? क्योंकि मन हमारा कंट्रोल में नहीं है, मन हमारा शांत नहीं है। जब मन हमारा शांत नहीं होगा तो हमें क्या आएगा? गुस्सा भी आएगा। आएगा कि नहीं? तो गुस्सा किसी ना, हर किसी को कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आता ही है। गुस्सा वो शांत कैसे हो, वो टेंशन तनाव कैसे, तनाव किसे कम कैसे मुक्त रहे, सच्ची मन की शांति मिले, इसका केवल परमात्मा ही इलाज देते हैं हमको। हम पापों से कैसे मुक्त हो, इसका केवल परमात्मा ही इलाज देते हैं। तो परमात्मा हमको इन चीजों की मुक्ति देने के लिए और सच्चे सुख के लिए, शांति के लिए परमात्मा हमको परसों की पहचान देते हैं कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, क्योंकि मैं जो दिख रहा हूं वास्तव में क्या मैं वो हूं? सोचिए कभी, क्या मैं जो दिख रहा हूं वास्तव में क्या मैं वो हूं? परमात्मा स्वयं की पहचान देता है। ये तो बस मैंने एक कपड़ा पहना हुआ है, जिस दिन ये कपड़ा पुराना होगा उस दिन इसको क्या करेंगे? इस कपड़े की बात नहीं हो रही है, इस शरीर रूपी कपड़े की बात हो रही है। जिस दिन ये कपड़ा पुराना होगा उस दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं, परसों की पहचान देते हैं कि मैं कौन हूं, क्योंकि इंसान इसी चीज में भटका हुआ है, स्वयं को समझता रहता है मैं ये हूं मैं वो हूं और इस चीज पे घमंड करता रहता है। लेकिन एक दिन उसको शमशान में तो जाना ही पड़ता है दो कपड़े में, लेकिन वास्तव में मैं हूं कौन उसकी पहचान परमात्मा देने के लिए धरती पर आते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं कौन हूं, मैं एक चैतन्य शक्ति। बच्चे लोग शांत हो जाए तभी देखिए हम आपको सुनाएंगे, अलग अलग बैठ जाए। तो परमात्मा पहले सौ की पहचान देते हैं कि मैं कौन हूं, क्योंकि जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे तब तक हम दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते, तब तक हम शांत नहीं रह सकते, तब तक हम टेंशन तनाव चिंता से मुक्त नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा हमको सौ की पहचान देते हैं कि मैं कौन हूं, मैं एक चैतन्य शक्ति एक आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। तो भगवान की वर्णमाला में हम पहला अक्षर पढ़ते हैं ए फॉर आत्मा। क्या पढ़ते हैं? ए फॉर आत्मा। तो हम कौन है? हम एक आत्मा है। आत्मा किसी ने देखी है क्या? देखी है किसी ने? देखा है किसी ने आत्मा को? आत्मा दिखती कैसी है? तो परमात्मा ही आत्मा की पहचान देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि आत्मा जो है वो चैतन्य ज्योति है। जैसे आसमान में स्टार देखा है? स्टार देखा है? स्टार भी नहीं देखा? देखा है स्टार? देखा है चमकता हुआ? चमकता रहता, टिम टिम करता रहता है। उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है वो टिम टिम चमकती रहती है, लेकिन बहुत छोटी सी है, इन आंखों से हम उसको देख नहीं सकते, इन आंखों से उसको देखा नहीं जा सकता, बहुत सूक्ष्म है। तो परमात्मा ने पहले सौ की पहचान दी कि मैं एक कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं जो इस शरीर को चला रही है। क्योंकि आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो क्या होगा बताइए? क्या होगा? अगर आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो क्या होगा? है कुछ भी नहीं रहेगा, शरीर हड्डी मांस का पुतला रह जाएगा और उसको जलाने के लिए हम चले जाएंगे। तो क्या जो मैं दिख रहा हूं वास्तव में क्या मैं वो हूं कि इससे कुछ अलग हूं? इससे अलग कुछ हूं। वो कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। परमात्मा ये पहली पहली सुलझाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं एक, बताइए मेरे साथ बोलिए, मैं एक आत्मा हूं। आत्मा इस शरीर में कहां रहती है? आपने देखिए स्कूल में आपको पढ़ाया गया, शरीर के सभी अंगों के नाम बताए गए,
हाथ कान नाक मुंह, लेकिन ये कभी नहीं बताया गया कि आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है। बताया गया कभी? बताया कभी स्कूल में कि आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? तो ये केवल परमात्मा ही बताते हैं कि आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है। बच्चों लोग बैठ जाओ। तो आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है परमात्मा ही हमको बताते हैं। जैसे गाड़ी में जो ड्राइवर होता है, गाड़ी के आगे बैठता है पीछे बैठता है? आगे क्यों बैठता है बताओ? गाड़ी चलाने के लिए। आगे और क्या है जिसके लिए बैठता है बताओ भैया आप लोग? है आगे क्यों बैठता है? आगे ब्रेक है, आगे पहिया घुमाने के लिए स्टेयरिंग है, इसलिए वो आगे बैठता है। बैठता है कि नहीं? इसी प्रकार इस शरीर को चलाने के लिए हमारे शरीर का जो कंट्रोलर है वो हमारा दिमाग है। ये दिमाग हमारे पूरे शरीर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। करता है कि नहीं? जैसे गाड़ी में जो आगे ड्राइवर बैठता है गाड़ी को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार ये शरीर क्या है? गाड़ी है। और आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? ड्राइवर। आत्मा क्या है? ड्राइवर। शरीर एक गाड़ी है और आत्मा क्या है? ड्राइवर। तो ड्राइवर के बिना क्या गाड़ी चल सकती है? चल सकती है बताओ? नहीं चल सकती। तो परमात्मा ने पहली पहचान दी कि मैं एक आत्मा हूं। मैं आत्मा इस शरीर में कहां रहती हूँ? जहां पर मेरा कंट्रोलर मेरा दिमाग है, जहां माताएं टीका लगाती है, बिंदी लगाती है, भाई लोग टीका लगाते हैं, यहां पर मस्तक पर हमारी आत्मा विराजमान रहती है। कहां रहती है आत्मा? यहां पर जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, क्योंकि यहां हमारा दिमाग है जो पूरे शरीर को चला रहा है। तो हम कौन है? हम एक आत्मा है। फिर हम आगे समझते हैं। तो परमात्मा ने बताया कि आत्मा की कुल तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या करता है हमारा बताओ? क्या करता है? खाने का मन करता है, सोचने का मन करता है, क्या करता है बताओ? मन सोचता है कुछ ना कुछ। और सबसे बड़ी दिक्कत आज ये है कि आज हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। मन भागता है, एक सेकंड में चला जाता है, एक सेकंड में कहीं से कहीं का कहीं चला जाता है। आप मेरे को सुन रहे हो तब भी आपका मन इधर उधर कोई चीज दिख रहा है, तो वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, इधर जा रहा है। मन एक जगह एकाग्र नहीं है किसी का, मन एक जगह है ही नहीं। तो मन को एकाग्र करना परमात्मा हमको सिखलाते हैं, क्योंकि मुझ आत्मा की ही शक्ति है मन। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मन मेरा कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मुझे टेंशन होता है, गुस्सा होता है, चिंता होती, भय होता है। परमात्मा हमको मन को कंट्रोल में करना सिखलाते हैं। दूसरी आत्मा की शक्ति है बुद्धि। कौन सी शक्ति है? बुद्धि। बुद्धि क्या करती है बताओ? बुद्धि करती है निर्णय, सोचती है और निर्णय करती है क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए गलत है। तीसरी आत्मा की शक्ति है संस्कार। संस्कार क्या होते बताओ? बताओ संस्कार क्या होते? संस्कार हमारे अच्छे और बुरे कर्म, वो हमारे संस्कार होते हैं। तो हमको कैसे कर्म करने चाहिए बताओ बच्चे? कर्म हमको कैसे करने चाहिए? अच्छे करने चाहिए कि बुरे करने चाहिए? अच्छे कर्म कैसे करेंगे बताओ? अच्छे कर्म क्या होते बताइए? अच्छे कर्म क्या होते? अरे बताओ भाई, सबको समझाते नहीं हो क्या? शर्माओ नहीं, बताओ अच्छे कर्म क्या होते हैं? जो कर्म हम पांच विकारों के वशीभूत होकर करते हैं वो बुरे कर्म होते हैं। पांच विकार अर्थात परमात्मा कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्या अहंकार करना अच्छी बात है? क्या लालच करना क्या अच्छी बात है? क्या गुस्सा करना क्या अच्छी बात है? जब हम इन पांच विकारों के वशीभूत होकर जो हम कर्म करते हैं वही बुरे कर्म है। जो ईर्ष्या में, नफरत में हम जो गलत कर्म करते हैं वही बुरे कर्म है। तो परमात्मा हमको सही कर्मों की पहचान देते हैं। परमात्मा ने हमको कितना अमूल्य जीवन दिया हुआ है, एक मनुष्य जीवन, कितना अमूल्य जीवन। हम बस इसको किसमें बर्बाद कर रहे हैं? भगवान ने हमको कोई अच्छे काम के लिए धरती पर भेजा है, पता है आपको? अच्छे काम के लिए एक धरती पर भेजा है। कौन सा अच्छा काम करने के धरती पर भेजा है? केवल यही नहीं, खाना पीना, सोना, काम धंधा करना, दरबार संभालना और चले जाना उसके पास, कुछ और भी करने भेजा है इस धरती पर, अच्छे कर्म करना। क्योंकि इंसान आज अच्छे कर्म करना भूल चुका है। तो परमात्मा हमको अच्छे कर्म करने की पहचान देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक दिन इस संसार से जाएंगे, एक दिन इस शरीर से निकलेंगे और परमात्मा के पास पहुंचेंगे, जब वो धर्मराज के रूप में मेरे सामने होगा, तो हमको क्या मुक्ति दिखलाएंगे? सोचिए कभी। क्योंकि वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा सब ऊपर नोट हो रहा है उसके अकाउंट में।
इसलिए कहा गया है कि कर्म करो ऐसे भाई कि कभी ना पड़े पछताना, एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। परमात्मा को धर्मराज भी कहते हैं। कर्म करो ऐसे भाई कि पड़े ना फिर पछताना, एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। आंखों से कभी करो ना ऐसे कि पड़े की आंख झुकाना, कानों से कभी सुनो ना ऐसे कि पड़े तो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई जो कभी ना पड़े पछताना, क्योंकि एक दिन उस धर्मराज को मुंह दिखाना हमें पड़ेगा। धर्मराज कौन है? वो ईश्वर है। तो परमात्मा हमको अच्छे कर्मों की पहचान देते हैं, क्योंकि इंसान भगवान ने हमको केवल बस काम धंधे के लिए नहीं भेजा है, कुछ हमको अब उसका गुणगान करने के लिए भेजा था। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में 24 घंटे में एक घंटा या आधा घंटा स्वयं परमात्मा ईश्वर के लिए नहीं होगा, तब तक हम अच्छे कर्मों की पहचान नहीं कर सकते, अच्छे कर्म हमारे जीवन में आ नहीं सकते। तो परमात्मा हमको पहचान कर्मों की देते हैं। वो कहते हैं तुमको अच्छे कर्म करने हैं। फिर आगे चल करके बताया गया, सभी लोग सुनते रहिए, इस तरफ ध्यान दीजिए कि हम जो आत्मा है, आत्मा के अंदर कुल 7 गुण हैं। वो कौन कौन से? शांति है आत्मा के अंदर, प्रेम है, पवित्रता है, आनंद है, ज्ञान है और शक्ति है। जो हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं छुपी हुई शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियां कहीं ना कहीं क्या हो गई, वो गुम हो चुकी हैं। क्यों गुम हो चुकी? कि आज शांति की जगह हमारे अंदर गुस्सा आ रहा है। हर किसी को आज शांति चाहिए, चाहिए कि नहीं? गुस्सा किसी को पसंद नहीं आता। कोई अगर किसी से गुस्सा करे तो पसंद आता है? नहीं आता। कहते मेरे को शांति चाहिए। प्रेम मुझात्मा का स्वरूप है, मुझात्मा का नेचर है, मुझात्मा का स्वभाव है, लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूं? उसकी जगह नफरत कर रहा हूं। तो मेरे जीवन में कैसे सुख शांति आए, कैसे प्रेम आए, तो उसके लिए पहले सो को आत्मा समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। मैं एक क्या हूं? आत्मा। आत्मा समझने से मेरे अंदर के जो पाप है वो भस्म होते हैं। आत्मा समझने से मेरे अंदर के जो अच्छे अच्छे संस्कार हैं, गुस्सा खत्म होता है, आत्मा शांत रहने लगती है, आत्मा प्रेम स्वरूप रहने लगती है। तो उसकी परमात्मा हमको कला सिखाते हैं, मन को कंट्रोल करने की कला। क्योंकि जिस दिन हमने इस कला को सीख लिया, उस दिन हमारे जीवन में जो बनना चाहे वो बन सकते हैं, जो करना चाहे वो कर सकते हैं, मेरे सारे संबंध अच्छे हो सकते हैं। आज देखिए इंसान के संबंध कितने खराब हो चुके हैं। आज भाई भाई लड़ा जा रहा है, आज घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, सास बहू में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आज कितना दुख दुनिया में है, कितनी दुनिया टेंशन में है, कितनी दुनिया तनाव में है, परेशान है। हर मनुष्य आत्मा आज परेशान है। हर कोई चाहता है कि मेरे जीवन में सुख और शांति हो, लेकिन मिल नहीं पा रही है। कितना भी हम जब तब पूजा तीर्थ आदि करके आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अशांत हैं। तो परमानेंट कैसे शांति हमारे जीवन में मिले, वो परमपिता परमात्मा की इस विद्यालय में सिखाया जाता है। इस विद्यालय में वो पढ़ाई होती है, जिसके द्वारा हम पढ़ करके और राजयोग सीख के अपने मन को नियंत्रण में रखकर उस परमात्मा को याद करते हैं।